कवरेज दे पे निकले हैं कि ज़मीनी स्थिति कैसी है, किस किस तरीके का के हालात हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को, तो हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी वो दिखा रहे थे। तो हम जानना चाहते हैं ये सिम्स सबसे बड़ा उसका बिलासपुर का अस्पताल, यहाँ पर ये कोविड वार्ड में कुल कितने बेड हैं? मैडम हमारे सिम्स में डेडिकेटेड कोविड वार्ड जिसमें हम कोविड पॉजिटिव मरीज रखते हैं उनके लिए 70 बेड्स हैं, और जो आइसोलेशन वार्ड मीन्स जिनकी रिपोर्ट एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव है और उनकी ट्रू नॉट या RT-PCR रिपोर्ट अवेटेड है और उनका सैचुरेशन वगैरह लो हो रहा है, सिम्टोमेटिक है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, ऐसे वार्ड को आइसोलेशन वार्ड बोलते हैं। और ऐसे वार्ड में हमारे पास 10 बेड्स हैं, 10 यानी 70+10 80 बेड हैं। और हमारे पास कुछ नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड है, जैसे कोई फ्रैक्चर वाला आ गया, डिलीवरी वाला आ गया, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है बट हमको उनको एडमिशन की ज़रूरत है, तो हम ऐसे नॉन ऑक्सीजनेटेड भी बेड्स फिला रहे हैं। तो जैसे ये जो 70 वो हैं जो गंभीर मामले होते हैं जिनमें सिम्टम्स कन्फर्म्ड होते हैं उनके लिए 70 बेड्स में, इसमें वेंटिलेटर्स वगैरह की क्या सुविधा है? हमारे पास जो थर्ड फ्लोर पे डेडिकेटेड कोविड वार्ड है उसमें हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 8 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं और नीचे हमारे पास 5 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता का क्या हाल चाल है, जो ऑक्सीजन है उसकी उपलब्धता का क्या हाल चाल है? हमारे यहाँ सेंट्रल लाइन पड़ी हुई है, है ना, तो सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन से हमारे ऊपर ऑक्सीजन थर्ड फ्लोर पे भी जाती है डेडिकेटेड कोविड वार्ड को और हमारे डेडिकेटेड कोविड ICU को भी आ जाती है। और जो हमारे नॉन ऑक्सीजनेटेड एरिया है उसमें जो इमरजेंसी बेड्स करके हमने रखा हुआ है वहाँ पे हमने 12 बेड पे सिलेंडर लगा के रखे, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कोई गायनिक पेशेंट वगैरह जैसे जो रहती है रूटीन में उनको ज़रूरत नहीं है, बट इनकेस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम उनको सिलेंडर पे ऑक्सीजन दे देते हैं। और जो हमारे बाकी 50 बेड्स हैं नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं तो वो भी हमने मेंटेन किए। चूँकि बेड्स की संख्या काफ़ी कम है, नहीं हमारे टोटल 142 बेड्स हैं, हाँ नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड्स मिला के हमारे 142 है। लेकिन फिर भी अगर हम अभी के कोरोना दूसरी लहर के विस्तार को देखें एक तरफ और अगर हम अस्पतालों की उपलब्धता देखें तो अस्पतालों की संख्या बहुत कम है अनुपात में, काफ़ी कम है। नॉन कोरोना पार्ट भी चल रहा है, नॉन कोरोना पार्ट पे भी मेडिसिन गायनी सर्जरी सब चालू है तो हमको उधर भी देखना पड़ता है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे मेरा सवाल है कि यहाँ पे कई पेशेंट्स ऐसे भी आते होंगे जिनके लिए जिनको नहीं होता होगा बेड की उपलब्धता, उनको लौटाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या बहुत सीरियस पेशेंट्स को कंसीडर किया जाता है उनके लिए किस तरीके की, अगर बेड खाली नहीं है और पेशेंट बहुत सीरियस है तो ऐसे में क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं? देखिए ये यथार्थ सत्य है कि पेशेंट्स जिस तादाद में आ रहे हैं उतना हमारे पास सुविधा नहीं हो पा रही है। इवन पेशेंट्स का रिपोर्ट नेगेटिव होता है, हमारे पास आइसोलेशन में 10 बेड्स हैं, उनका CT स्कैन रिपोर्ट होगा लेकिन रैपिड एंटीजन ट्रू नॉट रिपोर्ट या RT-PCR रिपोर्ट नहीं होता, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी उनका लो होता है और कई बार तो लाते लाते ब्रॉड डेड हो जाते हैं या फिर आने के कुछ देर बाद डेड हो जाती है, उनको कहीं भी बेड नहीं मिलता, ये सच्चाई है। और हमारे पास भी सिर्फ 10 बेड है तो हम उनको एडमिट नहीं कर पाते हैं, ये बड़ी दुखद बात है और हम उनको हेल्प नहीं कर पा रहे, इसमें हमको भी बहुत दुख होता है। आप कब से ड्यूटी पर हैं यहाँ कोविड वार्ड में? मैं कोविड में ड्यूटी पिछले 18 अप्रैल 2020 से कंटिन्यू ड्यूटी कर रही हूँ। कंटिन्यू ड्यूटी कर रही हैं, अगर बिना ऑफ के मेरे को कोई भी लोग जैसे होते हैं ना ड्यूटी करते क्वारंटाइन जाते हैं, मेरे को ना कोई CL हुई है ना मेरे को कोई क्वारंटाइन हुआ है एंड आई एम वर्किंग, और वो भी मैं ऐसा नहीं मैं यहीं ऑफिस में बैठती हूँ, मैं बराबर पेशेंट्स भी आते तो बराबर मैनेज करती हूँ। याद रखिएगा कई जगह पार्टियाँ और उनके समर्थक नेताओं के बारे में कहते हैं कि ये जो हमारे नेता जी हैं फलाना मंत्री जी वो बिल्कुल 24/7 काम करते हैं बिना छुट्टियों के, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, चुनाव प्रचार वगैरह सारा उनका इंक्लूड होता है। और यहाँ अप्रैल 2000 से एक स्वास्थ्य कर्मी है और ये किसी सरकार की उपलब्धता नहीं है, ये बिल्कुल विशुद्ध जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी वो है डेडिकेशन कि अप्रैल 2020 से, अभी ये अप्रैल 2021 पूरा हो गया और वो बिना CL बिना किसी छुट्टी के वो लगातार काम कर रही हैं, इस चीज़ के लिए आपको सल्यूट है। ठीक है, और मतलब अभी लग रहा है कि इस देश में सबसे ज़्यादा काम जो कर रहे हैं जिनके वजह से सारी हालात वो हैं, एक तो वो जो
आम आदमी हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, SOS जो है मैसेजेस हैं उनको एम्प्लीफाई कर रहे हैं, और एक पक्ष स्वास्थ्य कर्मियों का, कोविड वर्कर्स जो हैं उनका है, आप लोगों ने ही अभी बचा के रखा है। एक बात बताइए, जब ये स्थितियाँ, उम्मीद है कि हम इतनी बर्बादी के बाद भी चीज़ों से उबर जाएंगे, आएंगे, ऐसा दिन भी आएगा, उस वक्त यहाँ पर बैठे बैठे एक साल का अनुभव कोविड को देखने के बाद, जो आपने स्थितियाँ बद से बदतर होती देखी, उसमें अगर आपकी अपील कोई भी सरकार सुने, ठीक है, ये केंद्र और राज्य का मसला नहीं है, कोई भी सरकार सुने, कोई भी मंत्री हो, तो उसको क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके की, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आखिरी महामारी नहीं होने वाली है कोरोना, ऐसी और कई महामारियों का खतरा आने वाले समय में है, तो किस तरीके की चीज़ें हमको स्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए? देखिए, हम लोग जो अभी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम लोग भीड़ बहुत करते हैं, चाहे वो चुनाव रैली में हो, चाहे वो CT स्कैन ही खाली कराना हो, तो एक एप्रिहेंशन बहुत है, भीड़ बहुत है। एक भी आप देखिए, एक आदमी बीमार होता है उसके साथ में 5 आदमी आ जाते हैं, और जब वो पॉजिटिव निकलता है उसके बाद थोड़े उनको भी सिम्टम्स आते हैं, वो भी एडमिट हो जाते हैं, तो एक एक परिवार में कई कई लोगों की आप देख रहे हैं डेथ भी हो जा रही है। तो मेरी सबसे पहले अपील है कि लोगों को स्वयं समझना होगा कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, एक बीमार है, आप एक की सेवा करिए, बट पूरे प्रिकॉशंस के साथ करिए। अभी हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर, उसकी उसका भा उसका साला सब एक साथ ख़त्म हुए, तो यहाँ इस सेंटर के डॉक्टर और उनकी, हाँ, एक यंग डॉक्टर की आज ही सुबह डेथ हुई है, 3 दिन पहले उसके साले की डेथ हुई है, और उसकी वाइफ को बहुत समझाया गया कि आप अंदर पे जैसे मत जाइए, वो जाके सेवा की, प्रेग्नेंट थी, अब बताइए वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाएगी। तो लोग मेरी बिल्कुल नहीं मानते हैं, मैंने सुरक्षा बल को मंगाया कि भाई जो बीमार है उसकी सेवा करना है तो पूरे प्रिकॉशन से करिए, और प्रिकॉशन से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप भी लोग हॉस्पिटल में भी आते हैं, 10 जगह आते हैं, पूरे शहर में जाते हैं, फिर कोरोना वहीं फैलता है। तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमको खुद को भी बचना है, तो लोग नहीं मान रहे हैं, एंड मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे। आप देखिए, CT स्कैन कराने को जाना है, एक जन को जाना चाहिए, 4 लोग साथ जाते हैं, और वहाँ पर उस भीड़ में एक्सपोज होते हैं। तो ये जो भीड़ में एक्सपोजर, बाजार एक दिन को या कुछ घंटे को खुलता है तो लोग ऐसे दुकानों में उमड़ पड़ते हैं कि जैसे आज के बाद हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो सबसे बड़ी गलती तो मुझे लगता है स्वयं लोगों की है, जो ये भूल जा रहे हैं कि उनको भीड़ में नहीं जाना है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। कोरोना उनके पास चल के नहीं आ रहा, वो कोरोना के पास चल के जा रहे हैं, तो उनको घर में रहना है। जो सरकार प्रयास कर रही है कि भैया घर में रहो और हाथ को बराबर से धो, तो हैंड वॉशिंग को लोग समझ आ रहे क्या है, थोड़ा सा सैनिटाइजर ऐसे लगा ले, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है क्योंकि इतनी हाथों के थ्रू जाएगा। प्रॉपर मास्क पहनना है तो लोग कपड़ा बस लपेट लेते हैं, तो उनको मास्क प्रॉपर पहनना चाहिए जिससे कि अंदर जाए नहीं। आप हाथ साफ रखें, जो बेसिक चीज़ें हैं उसका भी हम फॉलो करेंगे तो इसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जब सिम्टम्स आ रहे हैं तो लोग ना पहले कोशिश, जो मेरा ऐसा अनुभव है कि थोड़ा अपने लेवल पर सर्दी खांसी बुखार की दवाई खा ली, चेकिंग कराने में डिले कर रहे हैं, ऑक्सीजन सेचुएशन जब सडन फॉल हो रहा है तब अचानक से लेके आ रहे हैं। तो आपको पहले से अवेयरनेस होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इतने फ्री परामर्श वाले लोग रखे हुए हैं कि भाई आप यहाँ परामर्श ले सकते हैं, होम आइसोलेशन के रूल्स रेगुलेशन निकाले कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, ऑक्सीजन सिचुएशन कम नहीं है, होम आइसोलेशन हो सकता है, तो आप वो रूल्स फॉलो करो। लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और सरकारों, ये तो हुआ कि व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, सिटीजन के तौर पर ये वो रखे, सरकारें भी नाकाम हुई हैं, सब जगहों की कुछ ज़्यादा कहीं कम। जैसे पिछले साल अस्पतालों में कई जगहों पर ऐलान किया गया, मैं छत्तीसगढ़ की ही बात करूं तो भूपेश बघेल सरकार ने कहा था कई जगहों पर कोविड वार्ड बनाए जाएंगे, फलाना डेडिकेटेड, वो फिर उसके बाद एक लचर, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर आते आते जब कोरोना की संख्या अब 2020 में घटने लगी तो वो सारे जो प्लानिंग थी, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने की वो थी कि वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे और तमाम चीज़ें, जैसे हमने सुना, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, लेकिन जो सिलेंडर्स हैं उनकी कमी है, और उसकी वजह से घरों में पेशेंट्स को और जो तमाम चीज़ें वो लाना ले जाना उसका वो है। तो ऐसी जब हम स्थिति देखते हैं तो हम सरकारों से क्या अपील करेंगे कि आने वाली अभी वो समय, अभी अब जो हो गया वो हो गया, इसके बाद कितना ध्यान दिया जाना चाहिए, क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं जो करने चाहिए? देखिए, मेरा अनुभव है कि पूरे भारत में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है
आज की डेट में मच मच बेटर देन अदर स्टेट्स है। डेफिनेटली अचानक से महामारी आई है तो कुछ तो प्लस माइनस होंगे, लेकिन फिर भी हमारे सरकार के प्रयासों में मुझे कमी नहीं दिखती। बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सबकी प्रॉब्लम पूछते हैं और वो लोग, मुझे उनके लगता है कि अथक प्रयास हैं, कितने सफल असफल हैं ये तो सरकार के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे मेरा कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़, मुझे लगता है कि सेवाएँ देने में दूसरे उससे दूसरे राज्यों की अपेक्षा सेवा, मतलब हाँ स्वास्थ्य सेवा बेहतर है। रेमडेसिविर और ऐसी जो दवाइयाँ हैं फेबीफ्लू और इन सब की आप लोगों की यहाँ उपलब्धता कैसी है? देखिए हमको तो रेमडेसिविर मिल रहा है, लेकिन रेमडेसिविर कितना मतलब यूजफुल है इसके ऊपर अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, उसी लोगों ने कोई रिसर्च नहीं है और बहुत जादू की छड़ी टाइप बना दिया है, जबकि WHO का वो आया था कि वही मैं कहना चाहती हूँ कि रेमडेसिविर की कोई ऐसा रिसर्च का ऐसा नहीं है कि नहीं ये चीज़ तो बहुत जादू की छप्पी है करके, बट हमारे को सिम्स में ऐसा रेमडेसिविर मिल रही है, हमारे फिजिशियन जिसको भी मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद CT स्कैन है RFT LFT सब करवा के हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। बस आखिरी सवाल कि क्या आप लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हेल्थ उसमें डिपार्टमेंट में, उनको उनका कोई इंश्योरेंस मिला है उनको क्या पिछले साल हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, बाकी जगह तो इंसेंटिव भी मिलता है, मैंने इतने दिन से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं काम किए हम लोग को तो एक इंसेंटिव भी नहीं मिला, इंश्योरेंस तो बहुत दूर की बात है, नहीं मिला आज तक नहीं मिला, और हम लोग दिन रात काम करते हैं, मैं तो यहाँ पे कभी 8 भी बज जाता है, कभी रात में भी आना पड़ जाता है, जैसे हम लोग सभी मेरा पूरा टीम काम करती है, बहुत काम करे, सिम्स के पास इतनी स्टाफ की कमी है फिर भी दिन रात, मैं बहुत गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरे सिम्स का स्टाफ बहुत काम कर रहा है और बहुत लोगों की जान भी बचा रहा है, लेकिन इंसेंटिव तो हम में से किसी के नहीं कभी नहीं। और जो जैसे आपने बताया बहुत दुखद है, जिन डॉक्टर की मृत्यु हुई आपके यहाँ कहीं थे उनके परिवार को भी, जैसे क्या है ऐसी स्थिति में, क्योंकि कई डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी आपके पास नहीं है? जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो आपने देखा आपने सुना, एक बहुत अच्छी बातचीत थी, अपने हिस्से की जो हमारी और आपकी हाथ में है वो जिम्मेदारियां पूरी करने की भी सीख थी और बहुत ज़रूरी स्टेप्स बताए गए थे उनका पालन करिए, बाकी सरकारों के स्तर पर सरकारों से सवाल पूछते रहिए, हम आपको असलियत दिखाते रहेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार भारत की ये कह सकती है, कोई एक स्टेट पिक कर सकती है और कह सकती है कि हम उसके मुकाबले बेहतर हैं, नहीं ये नहीं होना था, ये ऐसा नहीं होना था कि एक बहुत वीक स्टेक वो है और उसके तुलना में आप थोड़े बेहतर हैं इतने रत्ती से और आप कहें कि जी हम उससे बेहतर हैं, नहीं ये कंपैरिजन नहीं चलेगा, आपको अपनी सरकारों से सवाल पूछना पड़ेगा कि हर वो मौत जो ऑक्सीजन की वजह से, दवाइयों की वजह से या अस्पतालों में बिस्तर की कमी की वजह से मौतें हुई, उन सारी मौतों का दोष सरकारों के माथे पर है, आपको जनता को उनसे सवाल पूछना होगा, और अगर इस स्थिति में भी आप ये देखेंगे कि आप फला पार्टी के सपोर्टर हैं या चिल्ला पार्टी के सपोर्टर हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आपको ये कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी इन सब के बंटवारे से ऊपर उठकर सरकारों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, क्योंकि बाकी कई स्तर पर लोग हैं, ये स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस विभाग कई सारी शिकायतें होती हैं पर वो भी तो ड्यूटी कर रहा है ना, पुलिस कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं, नर्सेस टीचर्स सबको झोंका जा रहा है वो काम कर रहे हैं, और आपने देखा कि इतनी ड्यूटी करने के बाद भी उनके इंसेंटिव का कोई ठिकाना नहीं, उनके परिवार का क्या होगा इस बात की कोई वो तय नहीं है, तो ये ज़मीनी स्थिति है। शुक्रिया हमें देखने के लिए, मैं स्वाति और मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथ ही अमितेश।